गुड आफ्टरनून। सो अपने बाबू के लिए जा रहे हैं हम आज, लोकेशन बुक करने के लिए बर्थडे आ रहा है ना। दादी हां मेरे कपड़े तो दे दो। आप कपड़े मुझे क्या बताओगे? अरे अभी जो नया खरीद के लाया था। और यार ओहो उसको रखे अलमारी में, छुपा दे। मैं क्यों सूट अच्छा नहीं पहना है। इसको तैयार कर दो, बाबू को तैयार कर दो, हम लोकेशन देखने जाएंगे बर्थडे के लिए। बर्थडे और नन्नी और एच नन्नी आ रही। अच्छा इनको राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, छोड़ो राधे राधे कर दो, राधे राधे। गुस्सा नहीं करोगे? राधे राधे नहीं करोगे? राधे राधे कर दो ना, वो भी करेंगे आपको। राधे राधे कमेंट में करें, राधे राधे करेंगे। करो राधे राधे करो। गुस्सा हो आप इन सबसे? पापा को सब्सक्राइब नहीं कर रहे इसलिए वो हो गया। राजा मेरे बच्चे गुस्सा है, शो के उठाए ना मेरे बच्चे गुस्सा। वो करा शो का उठता। मम्मी क्या मालूम मैं घुसे दे दिए। अच्छा राधे राधे को दे, राधे 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 राधे। पता नहीं गुस्सा है, इनका मूड नहीं है। मूड जब बन जाएगा तब। अभी हम जा रहे हैं फाइनली, आज हम जा रहे हैं लोकेशन देखने के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ये देख बढ़िया सा ब्लैक कलर का मैंने सूट पहना। पर इसकी चुन्नी का मुझे ये नहीं पता, पता तुम्हें? तुम क्या नाम लेके आ गए? पता नहीं, तेरी चुन्नी ढूंढते हैं और फिर चलते हैं बाबू के लिए होटल बुक करने। ये हम बर्थडे मनाएंगे, ये स्माइल आ गई। तो गाइज मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, अब चलते हैं जल्दी से ध्रुव के लिए लोकेशन ढूंढने। वैसे यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं 3-4, तो बात करते हैं उनसे और प्राइस राइज को देखते हैं और आपको दिखाते हैं। मम्मी हम जा रहे हैं वो ध्रुव के बर्थडे के लिए लोकेशन बुक करने, ठीक है? बढ़िया वाला करूँ? जैसा हो वैसा करें आप। फिर भी कैसा? अब तो अपने हिसाब से देखो लोग। कैसा फिर भी? अच्छा या बहुत अच्छा? पैसा के हिसाब से करो। हाँ वैसा पैसा हो वैसा काम करो। दीदी कैसा करूँ ध्रुव के लिए, अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा नहीं करूँ? बहुत अच्छा। हाँ अच्छा। मैं तो एक नंबर करूंगी, अपनी शादी से भी बेस्ट। अपनी शादी से भी बेस्ट? शादी में 8 लाख लगे थे, कब बर्बाद करके माने हो? कब बर्बाद करके माने हो? क्या बाप को पहला बर्थडे ऐसा होता है जो जिंदगी भर याद रहता है, जिंदगी भर। कब बर्बाद करके माने हो? क्या बाप को हैं? अबे दूसरा बर्थडे कर भी रहे हैं। नहीं नहीं अब इसका बर्थडे हमेशा बनेगा, पहला बर्थडे अच्छा होता है वो जिंदगी भर याद रहेगा। बैठो दीदी गाड़ी में, बैठो बैठो दीदी गाड़ी में, जल्दी बढ़िया वाला लोकेशन देखेंगे। बैठो स्वाति। नहीं जाओ कोई भी सिम कर दे यहाँ तो यही चाहिए, यही चाहिए। हाँ अब वो बाप दिलवाएगा, ठीक है? वही वाला करना अच्छा वाला। ध्रुव ध्रुव उसी उंगली रखना, वो बाप दिलवाएगा, ठीक है? ठीक है उंगली तेरा कोई भरोसा नहीं है, कब कैंसिल कर दे? इतने फंक्शन कैंसिल कर देता है, जो गुस्सा हो रहा, गुस्सा मेरा कैंसिल नहीं होना चाहिए। वो उसे पता है ना कि इतने फंक्शन प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा बाप किसी को ना मिले, कैंसिल कर देता प्रोग्राम। ध्रुव का कोई फंक्शन कैंसिल नहीं हुआ, टेंशन नहीं। मेरी तबीयत खराब हो गई थी पर अब नहीं होगा ध्रुव का कोई फंक्शन। अब नहीं होगा, अब मस्त करेंगे, मस्त बड़ा। बैठो जल्दी गाड़ी में बैठो, मस्त बर्थडे आने वाला है। मान सासू माँ खड़ी है, मेरी नानी को बोल रहा है कि मैं लोकेशन बुक करने जा रहा हूँ, गियर न्यूट्रल करो। चलो इतना तो सीख गए, थोड़ा सा फायदा तो है, 2 दिन में न्यूट्रल करना सीख गई, गियर मारना सीख गई, चलाना भी सीख गई। सीख गई सीख गई। अब मैं जिस दिन तुम अकेले चला दोगे मैं टेंशन फ्री सोता हुआ जाऊँ तब मैं मानूंगा चलाना। तो गाइस ध्रुव का चैनल खोलेंगे हम, जो भी ध्रुव की हरकतें हैं वो आपको दिखाएंगे ध्रुव के बर्थडे वाले दिन से, ठीक है? तो जल्दी जाओ, खुलने वाला है चैनल। कह रहा सबसे छोटा यूट्यूबर आने वाला, इंस्टाग्राम पे तो 50,000 हो गए। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पैराडाइज ग्रैंड। ये बहुत ही ग्रैंड है इसलिए पैराडाइज ग्रैंड है। तो ये पैराडाइज ग्रैंड है हमारे, कौन सा रोड पड़ता है? एक संतोषी माता तिराहा के पास कचोरा रोड। तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, अब चलते हैं अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त है, हम यहाँ पे आए थे नवरात्रि में, डांडिया फंक्शन था यहाँ पे, तब हम यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे ये मंदिर भी बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हेलो कैसे हो आप? ये देखो आरती की, आरती आती है वो
तो यहाँ पे करते हैं बात। आओ आओ पहले अंदर चलो। दीदी आप देखो ना, इसका बर्थडे है 24 जून का। हम यहाँ पे आए थे तो ये ओपन हुआ था ना, डाकिया डाकिया पता नहीं कब आए देखने चलते हैं। क्या करें शादी तो गर्मियों में पैदा क्यों किया, सबर करती थोड़ा नवंबर के आसपास करती। मैंने बोला था उससे बाबू माता क्या सोचा जरूर सुनते ही नहीं। देख लो बेटा तुम्हारा बर्थडे यहीं करें, चाहे कुछ हो जाए। तो ये है पैराडाइज का एक हॉल, ये है एक हॉल, ये है, ये थोड़ा खुला सा अच्छा लग रहा है। ये अभी ऐसे डेकोरेट होगा रात के टाइम, लाइट लगेगी तो मत डेकोरेट होगा तो और जबरदस्त लगेगा। और ये झूमर देख के मेरे को पता है कैसा लग रहा है, जैसा कांसा दीदी का नहीं हुआ था फंक्शन, हाँ हाँ वैसा टाइप का। और ये थोड़ा खुल बड़ा है खाना खाने के लिए, बहुत चीज़ होगी मेरे पास, खाने का सिस्टम यहाँ पर है सारा, और सारा सिस्टम यहाँ है। यहाँ से एंट्री करेगा ध्रुव, ध्रुव बेटा यहाँ से एंट्री करोगे तुम अभी। ओह तुम बाथरूम में क्यों गई सबसे पहले? रूम का बाथरूम अच्छा हो ना, बाथरूम और बेड है। वैसे अगर कोई फंक्शन नहीं है रूम अगर लेना तो मिल जाएगा? ये मेरा होटल है। अच्छा हमारे यहाँ 7 रूम तो लगे हुए हैं ऊपर। अच्छा और बेड में तो रूम सब। हाँ तो सही है शादी। हाँ। और शांति वाली जगह अपना ला आराम से, जिस दिन हमें वीडियोस वगैरह बनानी हो। ये वॉशरूम है भाई और इसमें लाइट भी जलेगी, अभी जलाते हैं। इतना महंगा पहली बार अपने घर में भी लगवाऊंगा। और ये शॉवर कैसा लगा? रूम मस्त है और हॉल भी बहुत जबरदस्त है, बस अब एक बार प्राइस पता कर ले। प्राइस भी मस्त होगी बेटा, एटलीस्ट 3 लाख। ये तो हमारे बजट प्रोग्राम कैंसिल। तो फाइनली गाइस हमने मेन्यू वगैरह ले लिया है, प्राइस वगैरह सही है, बजट में है लेकिन थोड़ा सा हाई चल रहा है। अभी बातचीत करेंगे घर में, फाइनल करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको क्या है, और भी देखेंगे सस्ते वाले थोड़े। और आंधी तेज आ गई, जब भी हम कुछ इसका फंक्शन करने वाले होते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। जब उसका अन्नप्राशन करने वाले थे स्वाति की तबीयत खराब हो गई, अब ये करने वाले हैं। इतनी तेज आंधी, अभी 2 मिनट पहले कुछ भी नहीं था। उस दिन बारिश हुई थी, बताओ जिस दिन हुआ था उस दिन बारिश हुई, अन्नप्राशन वाले दिन इसकी तबीयत खराब हो गई, और अभी 5 मिनट पहले कुछ भी नहीं था। जैसे पहली बार गुआनी लगे तब भी आंधी आई थी। बताओ काय बेटा तुम कुछ तो हो। काना जी चलो घर चलो, पापा जी मम्मी बहुत खर्चा हो रहा है इनके बर्थडे पे, 3.5 लाख रुपए बजट बैठा है, वो कमा के दे देगा, कहाँ से कमा के दे देगा? ध्रुव 3.5 लाख नहीं, 4-5 में पहुंच जाएगा। इस सर पे क्या लगा? इसे नाखून में लगेगा, 4-5 लाख में पहुंच जाएगा ये बजट। 3.5 लाख तो होटल का ही लग रहा है। पास में देख लो कोई सस्ता हो। पास में तो है, कौन सा पास में तो है, अच्छा है लेकिन पैराडाइज है कौन सा? नहीं 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 वहाँ गए थे जहाँ पे हम डांडिया वाला करने गए थे, डांडिया वाला देखा था आपने? हाँ वहाँ पे पैराडाइज होटल में गए थे, 3.5 लाख रुपए का बजट है। 2400 रुपए की थाली है मम्मी, एक थाली 2400 रुपए की। अच्छा अगर आपने एक थाली उठा ली तो 2400 गए। एक थाली में सब लोग खा लो। हमारे जितने सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं ना, हम सबसे कहते हैं एक कपल एक थाली में खाए।
तो 100 थाली तो बुक करवानी पड़ेगी कम से कम, तो 2.5 लाख तो यही हो गए। उसके बाद होटल, होटल 3,500 रुपए का एक रूम है, चार तो दूसरे वाले में। फिर यहाँ से वहाँ ले जाओ सबको, सबको जो यहाँ पे आएंगे जागरण यहाँ होगा। अच्छा जागरण, और क्या? मैंने कहा बर्थडे हो जाना, जागरण बोला, जागरण करना। क्या कह रही? बर्थडे हो जाना, हो क्यों ना हो बर्थडे, ध्रुव क्यों ना हो बर्थडे, बाबू का बर्थडे जरूर होगा, बाबू का बर्थडे जरूर होगा मेरे बाबू का। इतना भाई नगर पर जागरण आपने कैंसिल नहीं करना, पहले बोल रही हूं। दोनों जरूरी है, देखो जागरण बहुत जरूरी है, जागरण मैंने, बर्थडे भी जरूरी है, बर्थडे भी जरूरी है। और जागरण का बोला था तुमने जब ये पेट में था तभी बोला था। ठीक, जागरण तो होना ही है, और जागरण माता रानी का जागरण हो जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे। माता रानी आएगी तब मैं बोल रहा हूं जागरण करूंगा, ठीक है? पर अभी मैं करूंगी, अभी तुम कर लो, अगले साल, अगले साल मैं कर लूंगा। बोल के फिर बोलने कल भी करूंगा, क्या नहीं मैं करूंगा। 2400 रुपए की थाली है पापा जी, है उसके बाद 3,000 रुपए का एक रूम है, 20 रूम लेने पड़ेंगे। अच्छा, तो 2,40,000 ये हो गया, 20 रूम 3,000 के हिसाब से 60,000 ही होगा, 3,00,000 रुपए ये हो गया। और उसके बाद घर में आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, खाना पीना 3-3.5 लाख रुपए का बजट जा रहा है। क्या बताया कि निकलना है ये, अगर औरिया भी जाएंगे तो भी 2-2.5 लाख बैठ जाएगा। अच्छा, हाँ पहले तो सब आसपास के थे तो रूम नहीं करने पड़ते थे, नहीं, और फिर औरिया में इतना इंतजाम भी नहीं है, और पहले सब आते थे सब चले जाते थे। अब यूट्यूबर्स ऐसे जो दूर से आएंगे तो रुकेंगे 2 दिन है, तो 2 दिन तो कम से कम रूम 10-10 रूम करने पड़ेंगे। इस वजह से 10 रूम भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 25 तो यूट्यूबर है जो इनकी मैंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट मैंने बना दी, कल व्लॉग डालूंगा। घर के गेस्ट के नहीं बनाओगे जो घर पे फैमिली में होंगे? अरे 25 यूट्यूबर उनके कपल्स आएंगे तो 50 हो गए, 50 फैमिली के हो गए तो 100 लोग हो गए। यूट्यूबर की लिस्ट बना दी, फैमिली की लिस्ट कल बना दूंगा, तो दोनों का बना के एक पूरा लिस्ट बना दूंगा, कल चलते कार्ड छपाने। पहले लोकेशन तो बुक हो। हाँ,